महापंचायत ने निर्णय लिया है कि जो हमारे क्षेत्र को पिछले कई सालों से परेशानी हो रही थी NH-48 के ना बनने के कारण, फ्लाईओवर ना बनने के कारण आए दिन हादसे हो रहे थे, दुर्घटनाओं में हमारे काफी भाई हमारे बीच से हमें छोड़ के जा चुके हैं। मैं सबसे पहले उन्हें श्रद्धांजलि दूंगा, उनको लिए शांति का परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा और मैं कहूंगा कि हमारी जो पंचायत में निर्णय लिया गया है कि आने वाली 8 तारीख तक यदि प्रशासन ने NHAI ने 4-4 लाइन दोनों तरफ और जितना यहाँ पे चौड़ाई है रोड की उस 4-4 लाइन के बाद उस जमीन को मुक्त कब्जा मुक्त कराकर और उस पर पक्का करा जाए, उस पर सर्विस लाइन बनाई जाए, बिलासपुर गांव बिलासपुर चौक के ऊपर फ्लाई और फुटओवर ब्रिज बनाया जाए और बिलासपुर चौक से ही यू टर्न दिया जाए। ये तो है हाल की समस्या को दूर करने के लिए प्रशासन ने आश्वासन के साथ काम भी शुरू करा दिया है। और दूसरी जो हमारी कई वर्षों से मांग चली आ रही है, 2015 के अंदर जो फ्लाईओवर पास हुआ था, बन जाना, काम शुरू हो जाना था, उसका काम 2022 में शुरू हुआ और 2024 अक्टूबर तक पूरा हो जाना था, लेकिन वो नहीं हुआ। अब प्रशासन ने कहा है कि जो पुराना ठेकेदार था वो हमने हटा दिया है, नए ठेकेदार को लिया है। पहले हम जो ये सर्विस लाइन है और जो ये काम आपने बताया यू टर्न का और फुट ओवर ब्रिज का और 4-4 लाइन दोनों साइड बनाने का, उसके 1 महीने बाद हम फ्लाईओवर का काम चालू कर देंगे और क्षेत्र की इस समस्या को दूर करेंगे। इसके साथ ही हमारे SDM साहब ने कहा है कि भाई जो तावडू रोड पर ये पानी भरता है इसको हम जल्द से जल्द दूर करेंगे। जिंदल कंपनी है जो पथरेड़ी के अंदर, उसके सामने बहुत भारी गड्ढे की भयंकर स्थिति है जिसके कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं, उसको भी तुरंत अभी SDM साहब यहाँ से पंचायत से गए हैं, उसको भी अभी हाल में दूर करेंगे समस्या को। और उन्होंने कहा है कि भाई मुझसे 1 हफ्ते में इस क्षेत्र के लोग मिलते रहे, जो समस्या होगी इससे आगे क्षेत्र को महापंचायत या पंचायत करने की आवश्यकता नहीं होगी और जो भी काम होगा क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति सरपंच मौजूद मुझसे आकर मिले और मैं उन कामों को तुरंत कराने का, उन्होंने ऐसा काम करने का आश्वासन दिया है। और अगर उनके कहने से और 8 तारीख जो 1 महीने के बाद काम शुरू करने की बात कही है तो उन्होंने कहा है कि भाई अगर ये मेरी बात नहीं मानी गई तो SDM साहब का आश्वासन है कि उस महापंचायत में उस धरना स्थल पर मैं भी आके आपके साथ बैठने का काम करूंगा। और राठीवास मोड़ के ऊपर जो अंडरपास है उसको भी SDM साहब ने कह दिया है कि उसको भी ये काम होने के तुरंत 1 महीने बाद हम उसको भी काम चालू करा देंगे, उसको भी काम पूरा करने का काम करेंगे।